तारक के फूल चढ़ाते हो, प्रतिमा पर पूजा को खिलवाड़ समझ बैठे हो, मन की समीप का कभी कोई पहचाना और बताओ को मझधार समझ बैठे हो। तन से देखो तो कोसों दूर दिखाई देगा और मन से देखो तो एक पाठ दिखाई देगा। इसलिए सुनी आंखों में रंग प्रेम का भर लो तो पत्थरों में भी भगवान दिखाई देगा। तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया हृदय बड़ा विचारवान बन गया। प्रणाम करना पहली पाठशाला है, नई पाठशाला है। हर व्यक्ति विश्वविद्यालयों में तो जाने की इच्छा करता है लेकिन कभी भी प्राथमिक पाठशाला में नाम लिखाने को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करता। हमारे यहां नियम है, अगर व्यक्ति प्राथमिक पाठशाला का विद्यार्थी नहीं बनेगा तो कभी भी मानसिकता से घोषित नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति अपने माता पिता को प्रणाम नहीं कर पाया, आचार्य विद्वान संत ब्राह्मण को प्रणाम नहीं कर पाया तो ईश्वर की यहां उसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। अस्तु, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया तो तुम्हारे जीवन के लिए पढ़े हुए तुम शुभ आशीष हुए। ओम ओम गर ज्ञान की गंगा बहे निकले। अगर व्यक्ति के जीवन में कभी ज्ञान रूपी गंगा का अभाव हो जाए तो नदियों का स्नान मिले या चाहे न मिले, करो प्रेम प्रसोन खिले मन में, धरे रो धनवान मिले या चाहे न मिले। एक बार मेरे भगवान शंकर से पूछा गया कि परमात्मा कैसे मिलेगा, तो भगवान शंकर कहने लगे कि हरि क्या गुरु साहब।